मतलब सलाम करते हैं। मैं आपका दोस्त कुणाल अपने वीडियो पार्टनर प्रशांत के साथ एक और नया वीडियो लेकर आया, जहां पर हम आपको शेयर कराएंगे दिल वालों के शहर दिल्ली से लेकर गहरे इतिहास से भरे शहर खजुराहो की। तो इस वक्त हम हैं दिल्ली में और हम यहां से निकलेंगे बाई रोड खजुराहो की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि रोड में क्या क्या चीजें मिलती है, कौन कौन से शहर मिलते हैं और कैसे आप जाके अपने इस जो रोड की ट्रिप है इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से डीएनडी के रास्ते होते हुए, डीएनडी यानी कि दिल्ली नोएडा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उससे होते हुए फिर यमुना एक्सप्रेसवे लिया हमने और लगभग अभी दिल्ली से हम निकल चुके हैं 40 किलोमीटर। बीच में एक स्पॉट है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी यहाँ पे रेस्ट लेके, चाय लेके फिर हम दोबारा निकलते हैं आगे। रहे ना किसी का हमें यही कहे ये पल जिंदगी। तो दोस्तों, इस टाइम हम खड़े हुए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से मथुरा का रास्ता कटता है। आप देख सकते हो ये यमुना एक्सप्रेसवे है, यहाँ से जाता है मथुरा का सीधे रास्ता। और मथुरा आने तक हमने दो टोल प्लाजा जो है वो पार किए हैं। पहला था जेबर का, जिसमें हमने 120 रुपए का टोल कटवाया है, और दूसरा था मथुरा का जो कि 155 रुपए का था। दोस्तों, मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण लला के दर्शन करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं भारत के पुराने शहरों में से जो कि है एक आगरा, और हम दीदार कर रहे हैं इस वक्त मोहब्बत की निशानी यानी कि ताजमहल। वृंदावन से पार होने के बाद हमने दो टोल और हमें देने पड़े जो कि एक शहर में आता है जो आगरा अथॉरिटी के अंदर आता है, और उसके बाद एंट्रेंस टिकट होता है जो कि अभी इस टाइम पे ऑनलाइन चल रहा है। आप ऑनलाइन ASI की साइट पे जाके कर सकते हैं बुक, जो कि 90 रुपये का है दो लोगों के लिए, यानी कि 45 रुपये है एक लोगों का। और आपको बता दें कि कम से कम आधा किलोमीटर पहले आप इस चीज़ की बुकिंग करना, क्योंकि जैमर लगा रहता है इस एरिया में, जिसके कारण आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कैश में बहुत लंबी लाइन होती है।